अस्सलाम वालेकुम व्हाट इज़ अप एंड वेलकम इन दिस अनदर वीडियो। आई होप यू आर फाइन, गुड, कूल एंड हैविंग जॉब। तो आज की जो वीडियो है वो है एक खूबसूरत टर्बन के रिव्यू के हवाले से। वो टर्बन जो है वो है, क्या नाम है, बादशाह अमीर दोस्त मोहम्मद ख़ान मोहम्मद ज़ई का, जो कि अफ़गानिस्तान के किंग रह चुके थे, जिनके ख़ानदान की हुकूमत 400 साल थी उस दौर में, जिस दौर में आई थिंक पाकिस्तान भी नहीं बना था। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली से लेके ज़हीर शाह तक उनकी हुकूमत रही। बरकज़ई जो था वो ख़ानदान था। तो उनके खूबसूरत टर्बन का रिव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को मैं बाद में बना के अपलोड करूँगा कि हाउ कैन यू मेक योर ओन टर्बन लाइक दिस। लेकिन आज की जो वीडियो है वो है इस टर्बन के रिव्यू के हवाले से, दिस वन, जो कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि एक वन ऑफ एक्सपेंसिव टर्बन है। तो इसकी जगह अनबॉक्सिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ। हियर दिस इज़ द टर्बन। इस टर्बन को आप खोलते हैं तो पहले आपको मिलेगा एक कैटलॉग और फिर ये खूबसूरत टर्बन आएगा आपके पास। या बस ये है वो टर्बन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज़ सो नाइस टर्बन और ये एक बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं टर्बन है। इसी तरह सा मैं आपको लुक दिखा दूँ, हाउ कैन यू वेयर दिस। देखें, जब भी आप कोई टर्बन पहनते हैं ना तो कैप के साइड, कैप नीचे होती है लेकिन ये साइड जो होता है कपड़े वाला, तो इसको आप बाहर की तरफ निकालेंगे फिर पहनेंगे। अगर आप डायरेक्ट से पहन लेते हैं तो ये अंदर की तरफ रह जाता है, इस तरह ना करें, इसको आप बाहर की तरफ रख के पहनें। तो इन कपड़ों को मैं ज़रा बाहर की तरफ पकड़ता हूँ, उसके बाद इस टर्बन को पहनता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आई थिंक यू कैन सी नाउ। तो ये है वो खूबसूरत टर्बन, वो खूबसूरत पाग कह सकते हैं। इसका लुक एक अलग ही लुक है, ये स्पेशली जो ख़ानदानी लोग हैं उनके लिए है। और इस पे ये जो काम हुआ हुआ, ये मोतियों का है, दो बंचेस और साथ में ये खूबसूरत सा टर्बन। अच्छा, इस टर्बन की ख़ास बात यह है कि इसमें कोई शुमला आपको नहीं मिलता। मतलब नॉर्मली जब आप अमामा शरीफ पहनते हैं तो उसके बैक से शुमला आता है, बलोची टर्बन आप पहनते हैं तो उसके साइडों से आता है, लेकिन ये एक ऐसा टर्बन है सिंपल सा जिसमें कोई मतलब के शुमला लटका हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। ये एक सिंपल सा टर्बन है, बैक से जो इस तरह से है और फ्रंट से इसका लुक इस तरह से है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको इस खूबसूरत टर्बन की हिस्ट्री बता सकूं और इस खूबसूरत टर्बन को दिखा भी सकूं। और इंशाल्लाह अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप ऐसा टर्बन कैसे बना सकते हैं। ये वीडियो तो मैंने इसलिए बनाई कि मैं आपको बता सकूँ कि हाउ कैन यू परचेज़ दिस ब्यूटीफुल टर्बन। इस टर्बन को आप परचेस कर सकते हैं आपके अपने आउटलेट से, एडील से। तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो उसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे, जो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और आप मुकम्मल उस पर डील करके अपने हिसाब से, अपने सर के हिसाब से अपनी शादी का टर्बन बुक करेंगे। अगर आप लाइक ये जिस ख़ानदान का टर्बन है, अगर आप उस ख़ानदान से बिलोंग नहीं करते और आपको ये पसंद है तो आप ये ऑर्डर करें अपनी शादी में। और अगर आपको अपने ख़ानदान का, अपने कल्चर का टर्बन पसंद है तो आप ज़रा रिसर्च करें अपने कल्चर के बारे में कि आपके पुरख जो थे वो कौन सा टर्बन यूज़ करते थे, और वही टर्बन आप अपनी शादी में पहने तो वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। क्योंकि आजकल की यही बात हो गई है कि हर कोई अपने ट्रेंड को लेकर चल रहा है कि भाई हमारे बैग पे जो थे वो जो हमारे आबा वजदाद थे वो किस किस टाइप के टर्बन पहनते थे अपनी शादियों में या तो नॉर्मली, तो लोग उसी को फॉलो करके हमारे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं तो वो इसी हिसाब से आते हैं। तो आप ख़ुद ऑर्डर कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। सो
आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू आल्सो गिव अ बिग थम्स अप एंड लीव योर ब्यूटीफुल कमेंट्स बिलो. अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये टर्बन जो है ये बना हुआ है टोटल 20 मीटर फैब्रिक पे. और दूसरी बात ये कि ये फैब्रिक बहुत ही हल्का सा है जिस वजह से ये टर्बन आपके सर पे बिल्कुल फिक्स हो जाता है. और ये जो मोती हैं ये इस पे बनने के बाद लगाए गए हैं, वो तो आपको नज़र ही आ रहा होगा. तो जस्ट दैट. ओके तो अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड इफ आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. सो इफ यू हैव बिग थम्स अप लीव योर ब्यूटीफुल कमेंट्स बिलो एंड अल्लाह हाफिज़ टिल माय नेक्स्ट वीडियो.